नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर आप आंध्रा बैंक या कॉरपोरेशन बैंक के ग्राहक हैं तो 30 दिसंबर के बाद आप पुराने आईएफएससी कोड से आईएमपीएस एनईएफटी किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन को नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको नए आईएफएससी कोड कैसे जानेंगे, जैसे कि जानते ही हैं कि आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हो गया है, यानी कि विलय हो गया है, यानी कि अब यूनियन बैंक के सर्वर से ही सारा काम होगा। तो आंध्रा बैंक या कॉरपोरेशन बैंक के ग्राहक हैं तो आप नए आईएफएससी कोड को कैसे चेक कर सकते हैं। हालांकि इस बैंक ने थोड़ा टाइम दिया है, क्योंकि जितने भी मर्ज हुआ है बैंक, वो सभी बैंकों ने 1 जुलाई के बाद से चेंज कर दिया नया आईएफएससी कोड, लेकिन अभी भी पुराना आईएफएससी कोड आपका काम कर रहा होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो बैंक ने टाइम दे रखा है वो 30 दिसंबर तक का दे रखा है, यानी कि 30 दिसंबर के बाद आप जो है पुराने आईएफएससी कोड से ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे अगर आप कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के ग्राहक हैं। तो कैसे आप नए आईएफएससी कोड को चेक कर सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने इजी कैश पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप एईपीएस बिजनेस भी करते हैं तो पर भी आपके लिए, ये सीएसपी चलाते हैं तो पर भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कस्टमर जो है वो काफ़ी सारे कॉरपोरेशन बैंक या फिर जो है आंध्रा बैंक का आपके पास कस्टमर आ सकता है मनी ट्रांसफर कराने के लिए, तो फिर वहां पे आप पुराने आईएफएससी कोड डाल के नहीं बेच पाएंगे 30 दिसंबर के बाद। तो अभी आप कैसे चेक करेंगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसके लिए आपको क्रोम ओपन कर लेना है, ब्राउजर गूगल वहाँ पे सर्च करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सर्च करने के बाद इस तरह से कुछ आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया .co.in वेबसाइट है यूनियन बैंक का, जो कि इस तरह से सर्च करेंगे, जैसे कि आप ध्यान से देख लीजिए, यूनियन बैंक ऑफ india.co.in। इस तरह से जब आप सर्च कर लेंगे, सर्च करने के बाद वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद लेफ्ट साइड में जो 3 लाइन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद जैसे कि अभी बैंक जो है आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, यूनियन बैंक हो गया है, तो अब आपको नए आईएफएससी कोड को कैसे चेक करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मर्जर होने के बाद यहाँ पे एक नोटिस भी दिया हुआ है बैंक के तरफ से, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सी ओ आर पी से शुरू होने वाला जो कॉरपोरेशन बैंक का जो आईएफएससी कोड था, और यहाँ पे दिया हुआ है आंध्रा बैंक का जो ANDB से शुरू होने वाला, ये जो काम नहीं करेगा, ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है 30 सितंबर 2021 के बाद पूरा तरह से ये डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। यानी कि आपका ये पुराना आईएफएससी कोड को यूज करके आप अगर कॉरपोरेशन बैंक या आंध्रा बैंक के ग्राहक हैं तो आप पैसे नहीं भेज पाएंगे। तो न्यू आईएफएससी कोड के लिए भी यहाँ पे दे रखा है कि न्यू आईएफएससी कोड जो है अब शुरू होगा UBIN09 से कॉरपोरेशन बैंक का, और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आंध्रा बैंक का जो आईएफएससी कोड अब होगा वो UBIN08, यानी कि दोनों बैंकों का अलग अलग थोड़ा सा कोड को चेंज करके दिया गया है, यानी कि नया आईएफएससी कोड आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये जो समय दिया गया है, ये समय आपका 30 सितंबर से आप यूज नहीं कर पाएंगे, 30 सितंबर के बाद करेंगे तो फिर आपका ट्रांजेक्शन पुराने आईएफएससी कोड से नहीं होगा। तो नए आईएफएससी कोड आप कैसे चेक करेंगे, इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दो बैंक दिया हुआ है, दोनों बैंकों का अलग अलग लिंक दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दो लिंक। ये कॉरपोरेशन बैंक का है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद पीडीएफ को आप ओपन करेंगे, जैसे कि अभी हमारा पीडीएफ ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओल्ड आईएफएससी कोड भी बता रहा है और न्यू आईएफएससी कोड भी बता रहा है, यानी कि ओल्ड आईएफएससी कोड अगर आप कॉरपोरेशन बैंक का है तो CORP से शुरू होगा, और आपका नया वाला जो अब आपका आईएफएससी कोड है ये भी यहाँ पे बता रहा है। अब हम लोग बैक करके देख लेते हैं कि अब आप मान लीजिए कि आप आंध्रा बैंक के ग्राहक हैं तो फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके लिए भी अलग से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद आप बड़ी ही आसानी से नए आईएफएससी कोड को जान पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पीडीएफ हमारा अभी डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद मैं ऐसे ओपन करता हूँ। ओपन होने के बाद देख पा रहे हैं यहाँ पे आंध्रा बैंक का जो आईएफएससी कोड है ANDB वाला, ये आईएफएससी कोड आप पुराना वाला काम नहीं करेगा, ये ओल्ड आईएफएससी कोड, और ये न्यू आईएफएससी कोड यहाँ पे बता रहा है UBIN वाला। तो अपना ब्रांच का, इसमें ब्रांच का नाम भी दिया हुआ है, जिस भी ब्रांच का आप जानना चाहते हैं तो उस ब्रांच का नाम
को आप चेक कर सकते हैं और नए आईएफएससी कोड को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो कि हमारे यहाँ से इस चैनल के माध्यम से देना था। और इस वीडियो से आपने समझ पाया होगा कि नए आईएफएससी कोड को अगर आप अंडरा बैंक या कॉरपोरेशन बैंक के ग्राहक हैं तो कैसे चेक कर पाएंगे। और ये जो आपका जो काम नहीं करेगा, ये 30 सितंबर के बाद से पुराना आईएफएससी कोड अब आपका काम नहीं करेगा, नए आईएफएससी कोड को यूज करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी तरह का यूपीआई यूज करते हैं तो फिर भी वहां पे आपको अकाउंट को ऐड अगर होए तो वहां से हटा के आपको नए आईएफएससी कोड के साथ फिर से लिंक करना पड़ेगा। और किसी को भी पैसा भेजने के लिए आपको अब जो है 30 सितंबर के बाद नए आईएफएससी कोड जो UBIN से शुरू होगा उस आईएफएससी कोड को यूज करना पड़ेगा किसी भी तरह का पैसे भेजने के लिए अंडरा बैंक या कॉरपोरेशन बैंक। तो यही एक छोटा सा अपडेट था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।